विद्या, विद्या, विद्या कहां चली गई? चार बज रहे हैं। आपने तो डरा ही दिया। ऐसे कौन आता है? सॉरी, डरा तो तुमने मुझे दिया था। ये काम करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे रूम से निकलकर यहाँ आ गई। मुझे नहीं उठा सकती थी तुम। तो सुबह 4 बजे उठ के आपको काम बोलूं? बाप? हाँ तो क्यों नहीं बोल सकती तुम मुझे काम? क्योंकि ये काम औरतों का है। कल जब आपने मुझे पालखी यात्रा में जाने से मना कर दिया तो सोचा नहीं जा पाई तो क्या हुआ, कम से कम अपने हाथों से खीर का प्रसाद बनाकर माँ के लिए भेज दो। उसी बहाने हमारे होने वाले बच्चे को माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे मुंह से हाँ सुनना चाहती हो, मालूम है मुझे। जाओ। थैंक यू। पर मेरी 2 शर्तें हैं। आपकी हर शर्त मंजूर है। वो तो वैसे भी माननी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, मेरी शर्तें क्या हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें अपना और हमारे इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, जितना ख्याल आपका रखती हूँ उससे कई ज्यादा हमारे बच्चे का रखूंगी। और मेरी दूसरी शर्त ये है, ये जो खीर है ये मैं बनाऊं। तुम बस यहाँ पर आराम से बैठो 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 बैठो। पर देवांग, नो आर्ग्यूमेंट्स। तुम यहाँ बैठो और मुझे बताती जाओ करना क्या है। हा? अच्छा, आप ये खीर आप माँ के लिए बनाओगे? जी नहीं, ये खीर मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ के लिए बनाऊंगा। बोलो अम्बे मात की जय। विद्या बेटा, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो चल हम घर चलते हैं। अगर देवांग को पता चला ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। कल तुम्हारी पालकी सजेगी माँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी स्थापना करूंगी। ठीक लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। माँ इतनी दूर आए तो फिर माँ की स्थापना करके ही जाएंगे। हाँ बेटा, चल धीरे धीरे। हाँ संभल कर, धीरे धीरे। हाँ कोशिश कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी सब ठीक है। माँ संभाल लेना। अल्पेश भाई, आप विद्या को लेकर अभी की अभी घर के लिए निकलिए। अरे पर वो माने तब तो, वो कह रही है कि आने वाले बच्चे के लिए माँ का आशीर्वाद लेकर ही जाएगी। Damn it! पापू जी, माँ ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी वही संभाल लेंगी। ठीक है, करने दो आप। It's too much, yeah. विद्या भी ना पत्थरों में विश्वास करते करते आजिफ ये पत्थर को चमत्कार करेंगे। गवर्नमेंट बंगलों की सिक्योरिटी टाइट रखना। हाँ हाँ, सीएम साहब को रिसीव करने के लिए मैं खुद आऊंगा। यू जस्ट कीप मी पोस्टेड, ओके? क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? टेंशन नहीं है, बस आज सीएम साहब आने वाले ना हमारे शहर में, तो उन्हें ही रिसीव करने जाना है। ओ विद्या, मैं जानता हूँ मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, लेकिन शहर के कलेक्टर होने के नाते आपको आपकी सारी ड्यूटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए आपकी सारे डायलॉग्स ना मुझे बाय हार्ट याद है। जाइए आप। बब्बू, लेकिन मेरा मन नहीं है जाने का। पर क्या? मैं काम करता हूँ, मैं इन लोगों को मना कर देता हूँ कि मैं नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो बस आपकी फिरके ले रही थी, आप जाइए। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। अरे सुनो, अरे कहाँ चली गई? शीला बहू, आज कयामत का दिन है। आज का दिन हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए। मदद की जरूरत है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता।